बढ़िया रहेगा मेरा गांव जी भी प्रियंका बढ़िया रहेगी ना बढ़िया। हाँ कांग्रेस में देंगे वोट, कांग्रेस के देखेंगे बाबू जी, कांग्रेस की वोट तो मोदी जी को देंगे साहब। इनसे मेरे को कुछ मतलब ली, मेरे को मोदी जी अच्छे लगे, इनने अच्छा काम करा। प्रियंका गांधी बढ़िया, नहीं मेरे को तो कोई अच्छे नहीं लगते, मेरे को नरेंद्र मोदी अच्छा लगता। राहुल गांधी तो छे ही नहीं। अरे तो सब मोदी मोदी कृपा, मोदी दे रहा ना सबको रोटी। प्रियंका गांधी जो है इंदिरा गांधी की टू कॉपी दिखती है, और वो स्टाइल में वो अगर वो रेस में आ जाएगी तो सेम इंदिरा गांधी दिखेगी, और उसकी लोकप्रियता राहुल गांधी से भी ज्यादा है। नहीं केवल वो तो रोल सो ही कर सकती है ना, तो उनको ठीक से बोलना आता है। अच्छा, और अभी राजनीति में बहुत पीछे हैं वो। प्रियंका गांधी अच्छी पढ़ी लिखी है, बोलने का तरीका भी है, बहुत अच्छी बोलती है, भाषण भी बहुत अच्छे देती है, और गरीबों के हक में भी बोलती है। तो दोस्तों आज बोल पब्लिक बोल में हम समाज के उस वर्ग के साथ खड़े हुए हैं जो अपने बाजुओं के दम पर मेहनत करता है, दो वक्त की रोटी कमाता है। जी हाँ, इनमें कोई श्रमिक है, कोई ठेला चलाता है, कोई हम्माल है, कोई लोडिंग ऑटो चलाता है। ये किसकी सरकार चाहते हैं, ये कैसा देश चाहते हैं, इनसे बातें करते हैं आज के बोल पब्लिक बोल में। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू भाई, चुनाव आ रहा है। हाँ। तो फिर क्या लगता है, नरेंद्र मोदी या प्रियंका गांधी? नरेंद्र मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी आएगा। हाँ। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी? वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी को देखा है? नहीं देखा है अभी। नहीं देखा है? हाँ। तो अभी इंदौर आई थी कल? नहीं तो पकड़, हम तो काम में लगे हुए ना। काम में लगे। हाँ। क्या लगता है कि आप लोगों की बात कौन सुनेगा? नरेंद्र मोदी सुनेंगे, हमारे सुनेंगे। हाँ। तो ऐसा क्या है जो आप नरेंद्र मोदी से मांगना चाहते हो? बस दो वक्त की रोटी है हमारा, खाने पीने के लिए दो वक्त काम मिल जाए ऐसा। हाँ। और कांग्रेस या बीजेपी? बस जो भी आ जाए। आप किसको वोट दोगे? हम तो दे देंगे किसी को भी दे देंगे ऐसा। हाँ। किसी को भी दे देंगे। ये भैया से पूछते हैं, क्या नाम है? ललित। ललित भाई, ये बताओ, आप प्रियंका गांधी आई थी इंदौर में, तो देखे थे? नहीं देखा नहीं, बाकी आई थी। तो प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी से अच्छी लगती है या नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? दोनों ही अपनी अपनी जगह बढ़िया। नहीं लेकिन प्रियंका गांधी बढ़िया। प्रियंका गांधी बढ़िया लगी। अच्छा, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या राहुल गांधी को बनाना चाहिए? प्रियंका गांधी को आना चाहिए इस बार। इंदिरा गांधी जैसी बनेगी? और क्या, इंदिरा गांधी को टक्कर देगी? और तो नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते? दोनों अपनी बराबर, दोनों जगह अपनी अपनी बराबर सही है दोनों जगह भी। अच्छा, आप वोट किसको दोगे? कांग्रेस को ही। कांग्रेस को देने वाले हैं ये वोट, इनका वोट कांग्रेस को है। और भी लोग हैं, ये दादा है, दादा से पूछते हैं। दादा, आपने तो पिछले 70 साल पहले वाली सरकार भी देखी कांग्रेस की। हाँ। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। तो नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है या तो राहुल गांधी? मैं तो बीजेपी का आदमी, बीजेपी में रहता हूँ। एक मुद्द का दूसरा मुद्द मैं नहीं बनता हूँ ऐसा। तो ये प्रियंका गांधी कैसी लगती है? मेरे को तो कोई अच्छी नहीं लगती, मेरे को नरेंद्र मोदी अच्छा लगता। नरेंद्र मोदी से खुश है आप? मैं खुश हूँ। तो क्यों, ऐसा क्या काम किया उनने? मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया उनने। क्या किया? मेरा मकान बना दिया। हाँ। मेरे को वो दे दिया राशन कार्ड, वो सब खाना पीने का सब व्यवस्था कर दी उन्होंने ऐसा। और प्रियंका गांधी? मैंने देखा ही नहीं ना। हमने देखा नहीं प्रियंका गांधी को, नरेंद्र मोदी ने भैया इनका मकान बना दिया, तो ये तो नरेंद्र मोदी की तरफ गए। ये काम आसान नहीं होता, भर धूप में इतने सारे सामान को ठेले पर खींचना ये बहुत मुश्किल का काम है, और इस काम को हमने अभी करके देखा, ये आसान नहीं है, लेकिन इस काम को ये दादा दिन रात करते हैं, और इनके जैसे बहुत से लोग रोज इस काम को करते हैं। ये भी देश का एक ऐसा वर्ग है जो सरकार बनाता है, लेकिन सरकार इनके बारे में सोचती है कि नहीं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? रमजान। रमजान जी। हाँ। ये कितनी दूर लेकर जाओगे? ये कम से कम 5 किलोमीटर। अच्छा, चुनाव आने वाला है। हाँ जी। वोट किसको देने वाले? वोट दे देंगे आपको, जो आपको लगता है जो अच्छा लगेगा उसको देंगे वोट। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हो या राहुल गांधी को? अरे कोई बने, हमारा फायदा कर दो चाहते ना उसको। क्या चाहते हो? हमारी मर्जी चाहते हैं, हमारी पेंसिल चाहिए है? हमारी पेंसिल भी चाहिए, 60 साल की उम्र हो गई, कोई पेंसिल नहीं मिल रही, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसे खींचना पड़ रहा देख लो। हाँ। धूप में खींचना तो पड़ रहा है, मेहनत का काम है। तो कांग्रेस या बीजेपी? अरे बीजेपी को दे देंगे हम तो, उसमें क्या है। नहीं तो पर बनना किसकी सरकार चाहिए? अरे भाई मोदी सरकार बन जाए। अच्छा,
प्रियंका गांधी कैसी नेता है? बढ़िया रहेगा ना प्रियंका गांधी भी है? प्रियंका गांधी बढ़िया रहेगी ना? बढ़िया, हाँ कांग्रेस में जाएंगी वोट। नरेंद्र मोदी अच्छे है या प्रियंका गांधी? नहीं प्रियंका गांधी अच्छी है। अच्छी है, वो सुनेगी? हाँ सुनेगी, सुनेगी। चलो तो भैया प्रियंका गांधी सुनेगी और बोलोगे तो हम वोट तो मोदी जी को भी दे देंगे, चाहे जिसको दे देंगे, सुनना चाहिए हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू भाई। गुड्डू भाई क्या करते हो? हम ठेला धकाते हैं। ठेला धकाते हो, चुनाव आने वाला है, किसको वोट देने वाले? वोट तो मोदी जी को देंगे साहब। ऐसा? बिल्कुल। कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी अच्छे लगते हैं। और कांग्रेस में राहुल गांधी अच्छे हैं या प्रियंका गांधी? वो तो आप दोनों नए नए जैसे है, उनका कोई वो नहीं है। हाँ मोदी जी परफेक्ट, एक नंबर। मोदी जी परफेक्ट, एक नंबर। अच्छा किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस की देखेंगे बाबू जी। कांग्रेस की? कांग्रेस की। मोदी जी पसंद है कि नहीं? नहीं है बाबू जी पसंद। क्यों? बस नहीं है। नहीं है। प्रियंका गांधी अच्छी लगती है राहुल गांधी? प्रियंका गांधी अच्छी लगती है राहुल गांधी? राहुल गांधी, राहुल गांधी। हाँ प्रियंका गांधी कैसी लगती है? वो भी ठीक है पर बाबू जी काम नहीं करती। प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ था इंदौर में, देखा था? जी जी। क्या लगता है प्रियंका गांधी कैसी? नहीं नहीं, केवल वो तो रोल शो ही कर सकती है ना, तो उनको ठीक से बोलना आता है। अच्छा, और अभी राजनीति में बहुत पीछे हैं वो। पीछे? जी हाँ। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है 5 साल में। हाँ। हम एक बार महंगाई, गरीबी और रोजगार से तो लड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर देश चला गया तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी देश तो वैसे ही रहेगा? नहीं, फिर बम से हमें जो सुरक्षा आज मिली 5 साल में, वैसी सुरक्षा पहले कभी नहीं मिली। आज हम हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश को सुरक्षित मान रहे कि हम सुरक्षित है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो बम धमाके, गोलीबारी, लूटपाट फिर चालू हो जाएगी। अच्छा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से आपको दोनों में से अच्छा कौन लगता? दोनों में से कोई भी नहीं अच्छा लगता। दोनों में से कोई भी नहीं अच्छा लगता, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? राजा कौशल। राजा भाई, राजा भाई आप तो दिल के राजा हैं, क्या बात है। ये बताइए प्रियंका गांधी जी इंदौर में आई, कैसा लगता है व्यक्तित्व? क्या राहुल गांधी से प्रभावी प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी से? प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी की छवि दिखती हो? हाँ, हाँ, नाक नकते से दिखती है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा? अगर वो मान लो कांग्रेस की सरकार आती है, मान लो, तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? पहले तो आई नहीं थी सरकार उनकी, मोदी जी जो भी कुछ है, मोदी जी है। अगर आ गई सरकार तो कौन बनना चाहिए? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पसंद? नहीं नहीं। क्यों? बस नहीं है। नहीं है, नहीं है। और नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी में किसको देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी, बस मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी है भैया। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कानून को। संजय जी। हाँ जी। ये बताइए प्रियंका गांधी या नरेंद्र मोदी? मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्यों मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, देश के लिए भी अच्छा है। हाँ। जनता के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इसलिए सबकी ख्वाहिश है कि मोदी जी आना चाहिए। इस बार सरकार किसकी बनवा रहे हो आप? हम तो मोदी जी की बनवाए। मोदी जी की बनवा। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो, प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, प्रियंका गांधी बन सकती है तो अच्छा है। अच्छा है। प्रियंका गांधी लगता है आपको कि इंदिरा गांधी जैसी लगती है या वो कुछ कर पाएंगी? इंदिरा गांधी उनने तो कुछ करा ही नहीं कांग्रेस सरकार ने। अच्छा, तो अब वो क्या करेंगे? बाकी कभी मान लो सरकार बन गई तो राहुल गांधी को तो बनाना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो भी राहुल गांधी को नहीं बनाना चाहिए, ये क्या बोलते हैं? क्या नाम है? सूरज यादव। सूरज भाई क्या करते हैं? हम्माली करता सर। हम्माली करते हैं। बात आज हम हम्मालों की कर रहे हैं। हम्माल देश का भजन उठाता है, मेहनत करता है। कैसी सरकार चाहता है? अच्छी चाहेगा ना सब। किसकी सरकार चाहता है आप? जिससे सब ऊपर वाला है, सब देने वाला। नहीं, ऊपर वाला तो है लेकिन सरकार तो आप चुनोगे, आपका वोट बहुत कीमती है। अरे तो सब मोदी, मोदी कृपा, मोदी दे रही है ना सबको रोटी। ऐसा? मोदी दे रहा है रोटी। अच्छा, प्रियंका गांधी को देखा है कभी? प्रियंका का सर हम तो सोनिया गांधी को देखते हैं। सोनिया गांधी को। सोनिया जी की लड़की है प्रियंका गांधी, पहचानते हो? पहचानता नहीं हूँ साहब। राहुल गांधी को पहचानते हो? राहुल गांधी है। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें आप देखो, भोलेनाथ की कृपा का भी आई जाए। ऐसा? सब वो ईश्वर उनकी रक्षा। ईश्वर करेगा उनकी रक्षा, भोलेनाथ की कृपा। और सोनिया गांधी को चाहते हैं ये, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने देखा भी नहीं है। दादा से बात करते हैं।
अनुभवी व्यक्ति हैं आप जी सर, 70 साल की कांग्रेस की सरकार देखी जी, जी सर। हर हम जिससे भी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी हैं विपक्ष में, आज हम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? सबसे ज्यादा जो अगर लोकप्रियता है तो प्रियंका गांधी की है, और प्रियंका गांधी जो है सेम इंदिरा गांधी की टू कॉपी दिखती है, और वो स्टाइल में वो अगर वो रेत में आ जाएगी तो सेम इंदिरा गांधी दिखेगी, और उसकी लोकप्रियता राहुल गांधी से भी ज्यादा है, ज्यादा है, और प्रियंका गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बनना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी से टक्कर की बात करें प्रियंका गांधी की, तो नहीं, तो नरेंद्र मोदी के साथ में बरोबर बैठेगी, अच्छी काटा पकड़ रहेगी, हाँ बिल्कुल, मुकाबला जो है ठोस रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है इनका काफी जो इनके कार्यकाल में इनने जो भी किया इससे पब्लिक व्यापारी गरीब आदमी बड़ा असंतुष्ट है, असंतुष्ट है, गरीब जो है गरीब वो असंतुष्ट है, व्यापारी तबका ही बड़ा असंतुष्ट है, ऐसा हाँ। क्यों? इसलिए कि नोटबंदी की नोटबंदी के बाद बाजार में बहुत मंदी आ गई, धंधे नहीं चल रहा है, लोगों ने अपने कारखाने दुकानें बंद कर दी, 4 नौकर रखते थे 2 कर दिए, क्योंकि कमा ही नहीं पा रहा है, उनका खर्चे ही नहीं निकाल पा रहा है, इसी प्रकार कारखाने बंद हो गए, तो गरीब लोगों की बड़ी दुर्दशा इसमें खराब हुई साहब, खराब हुई। तो कांग्रेस सही करेगी? कांग्रेस ने पहले भी किया ना सर, इंदिरा गांधी को देख लो आप, राजीव गांधी को देख लो, पीवी नरसिंह राव को देख लो, महंगाई बाजार की जो है वो कंट्रोल रखते थे, और जो ये कैशलेस है, अब ये कैशलेस पूरी इंडिया में सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे शिक्षित लोग है, बाकी तो सब अनाड़ी है अधिकांश, जो समझते नहीं है, अब वो केस लाख से भी परेशानी होती है, हमने काम कहीं किया हमको 100 रुपये मजदूरी मिलना चाहिए, बोले चेक ले जाओ, तो हम कहाँ ले जाएंगे, चेक कहाँ जमा करेंगे, हमको तो अभी शाम को चाहिए खाने को। मजदूर आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी दिन में मेहनत करता है, शाम को उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो चेक और केस लाख क्या समझेगा वो, ये इनकी समस्या है, और ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर बने तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी से जो है वो अच्छे नेता सब है, लेकिन जो प्रियंका गांधी में कट्स है वो सेम इंदिरा गांधी के हैं, और इंदिरा गांधी की शैली में ही वो संबोधित करती है, ऐसा क्या बात है? उनका शो देखे थे? उनका जगह 86 शो हुआ रहा था, उनका जगह नहीं मिली देखने के, पास में नहीं जा पाए हम लोग। तो इंदौर में मोदी जी का ज्यादा अच्छा रहा या प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी का 1 नंबर रहा, और उसका प्रभाव जो है उसका बेनिफिट कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज संघवी को बराबर बेनिफिट भी मिलेगा, ये भी मैं बता दूं आपको। दादा तो बहुत बड़ी बात कह गए बातों बातों में भैया। 1965 से मैं जो राजनीति में था सब था करता था, लेकिन अब जो उम्र होने के बाद अब मैंने ये सब छोड़ दी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं सिद्धांतिक कांग्रेसी हूँ जो बात है वो बोल दी स्पष्ट रूप से, जो है वो बोल दिया इन्होंने। और प्रियंका गांधी में देखते हैं गट से कि वो बन सकती है गट से, उनमें इनसे बात करते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद फजल खान। फजल खान, फजल भाई, फजल भाई क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के रूप में प्रियंका गांधी कैसी लगती है? प्रियंका गांधी का अच्छा माहौल है, ये कैमरा इधर है हमारा, प्रियंका गांधी का माहौल अच्छा है, नरेंद्र मोदी की टक्कर में है, बरोबर टक्कर है बिल्कुल, ऐसा जी सर। तो प्रियंका गांधी जी का शो देखे थे इंदौर का? जी सर, मैं खुद उसमें था। अच्छा जी सर, तो करीबन 2 घंटे तक रहा, लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत पब्लिक थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसा जी। तो नरेंद्र मोदी जी का इंदौर शो ज्यादा अच्छा रहा या प्रियंका गांधी का? प्रियंका गांधी का अच्छा रहा सर, ऐसा। तो इनसे भी बात करते हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में सही कौन लगता है? प्रियंका गांधी अच्छी पढ़ी लिखी है, बोलने का तरीका भी है, बहुत अच्छी बोलती है, भाषण भी बहुत अच्छे देती है, और गरीबों का हक में भी बोलती है। सरकार किसकी देखना चाहते हो? सर कांग्रेस की देखना चाहते हैं। कांग्रेस की देखना चाहते हैं, पीछे से इधर से एक आवाज आई है मोदी जी की, ये प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या जी? इनसे मेरे को कुछ मतलब ली, मेरे को मोदी जी अच्छे लगे, इन्हें अच्छा काम करा, समाज में अच्छा कर रहे, देश सुधार रहे, रोड तोड़ के अच्छे रोड बना रहे, कि जैसे ट्रैफिक लियो कोई नुकसान लियो, गरीबों को घर दे रहे, अच्छा टंकी गैस और अच्छी योजना प्राप्त कर रहे दे रहे, बस मेरे को इस बात पे वो अच्छे लगे। मोदी जी, मोदी जी। और प्रियंका गांधी के बारे में क्या बोलते? इनसे मेरे को कुछ मतलब ली, इनसे गांधी जी से, गांधी बुरा रहे थी ये आपको? हाँ बताओ। मैं मोदी जी को, मोदी जी का है इस बार बहुत बढ़िया, उन्होंने काम करा है, ये काम करा उन्होंने कि ये 5 साल में ना तो कोई आतंकवादी घटना अपने भारत में जो जैसे पठानकोट वगैरह हुई है, ऐसी घटना अपने शहरों में नहीं हुई है। अच्छा। और 5 साल में जो नोटबंदी वगैरह हुई है उससे आतंकवादियों पर मतलब बहुत सारी लगाम मिली है सरकार को, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, ऐसा। और मोदी जी फिर आए एक बार, और अगर सरकार कांग्रेस की बन गई
तो फिर किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु हम तो ये चाहते हैं कि भारत के वासी है, एक बार और मोदी को वो मौका देना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने ऐसा काम करा है जो विश्व में आज तक जो भी प्रधानमंत्री आए, जो हमारे फौजी जवान मरे उनके लिए भी उनने ऑक्सीजन उठाया, जवानों के लिए उनने पाकिस्तान में घुस के जवानों की उनकी भी जगह उड़ाई थी, पाकिस्तानों की, पाकिस्तान को जवाब दिया है मोदी जी ने। तो भैया, जो देश का युवा जो है वो राष्ट्र की बात पहले करता है, जो आज जो हमारे देश में जो शांति है वो सिर्फ मोदी की वजह से 5 साल के अंदर, आज तक 70 साल में ना पाकिस्तान को कोई दबा पाया है और ना उससे कोई आंख मिला पाया सही ढंग से, तो जो काम करा है वो मोदी जी ने करा है, और 5 साल हम फिर चाहते हैं कि इस बार फिर मोदी सरकार, हर मोदी। लेकिन काम करने वाले और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी। अब्दुल जी, अभी प्रियंका गांधी भी इंदौर आई थी और नरेंद्र मोदी जी भी इंदौर आए थे, तो क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी जी का शो कैसा रहा? हमें प्रियंका गांधी जी का शो अच्छा लगा। प्रियंका गांधी जी का अच्छा लगा। तो देश के प्रधानमंत्री में आप किसको देखना चाहते हैं? हम प्रियंका गांधी को देखें। प्रियंका गांधी जी को। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन है बेस्ट? प्रियंका गांधी। तो आपको लगता है कि वो उनकी दादी समान, यानी कि इंदिरा गांधी समान? गांधी सरीकी लगती है बिल्कुल, मतलब इंदिरा गांधी उनकी दादी सरीकी लगती है, उनकी दादी सरीकी। और मोदी जी के बारे में क्या? मोदी जी के काम तो बस वो विकास ही करा, बाकी का तो उन्होंने नोटबंदी और GST में ऐसा कर दिया कि हम आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान हो गया भैया, आम आदमी परेशान हो गया। इनका कहना ये है, मतलब छोटा व्यापारी बहुत परेशान है, मतलब छोटा व्यापारी परेशान है, काम धंधे बिल्कुल भी नहीं छोटे व्यापारी। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में किसको बनाए फिर? प्रियंका गांधी। राहुल गांधी का नंबर नहीं। चलिए, और भी कुछ मजदूर है वहाँ दूर ऑटो में आराम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? किशोर। किशोर। किशोर भाई क्या करते हो, ये ऑटो आपका है? मेरा नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं तो काम करता हूँ। काम करते हैं। ये बताओ, प्रियंका गांधी को जानते हो? नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जानते हैं। जानते हो? किसकी सरकार देखना चाहते हो? मोदी या कांग्रेस? मोदी। 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 मोदी जी का नाम क्या है पूरा? नरेंद्र मोदी। नाम नहीं मालूम? अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, नाम नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अल्केश गुर्जर। अल्केश भाई, प्रियंका गांधी जी को पहचानते? पहचानता हूँ बिल्कुल, इंदौर में अभी उनका प्रोग्राम। जी रोड शो हुआ। क्या लगता है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगर बात करें तो दोनों में बेस्ट कौन है? प्रियंका गांधी अच्छी नेता है कांग्रेस की। फिर भी तो प्रियंका गांधी को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 7 नंबर तो मिलना ही चाहिए। 10 में से 7 नंबर प्रियंका गांधी को। तो दोस्तों, आज हमने बात करी प्रियंका गांधी कैसी नेता है इस बारे में। अब अगला सवाल पूछने हम आपके पास आ रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। अब दीजिए इजाजत, कैमरामैन आयुष यादव के साथ टैलेंटेड इंडिया न्यूज से मैं निमिष भंसाली, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।